Hey guys, good morning, welcome back to Aymaan vlog. Actually, अभी मैं पढ़ने जाने वाला हूँ, मतलब कि आज 11th का पढ़ाई पूरा properly start करने वाला हूँ. So मेरे पास तो copy नहीं था, तो आपसे ऐसे copy मांगा, फिर आपसे वो बाद में copy दे दूँगा जब मेरे पास copy आएगा. तो ये copy मेरा ही हो जाएगा पूरा, आपसे मेरे लिए जो copy आएगा मैं आपसे को दे दूँगा. मैं दिखाता हूँ एक चीज़ यहाँ पे, क्योंकि आपसे को भी जरूरत पड़ेगा, खत्म हो जाएगा आपसे का copy. तो यहाँ पे है सही आफिया मैथ्स क्लास, ये रोटेट होके दिख रहा है, पता नहीं क्लास 9 से लिखा है. सो मैं क्या करूंगा, वहां पे प्लस 2 इक्वल्स टू 11 सही दाफिया को काट के सही दाम तो लिख दूंगा. मैथ्स का तो मैथ्स रहेगा, तो मैं ऐसे सोचता हूँ. उसके लिए भी अभी दिखाया कि मेरा ये सब कॉपीज भी रेडी है, स्कूल का एक्स्ट्रा हर साल बचता है, 3 कॉपी ले लिया हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए. मतलब कि अच्छे से अलग से नोट्स बनाऊंगा, ये पूरा नोट्स प्लस प्रैक्टिस के लिए है. मतलब इतना मोटा भी है ना, हर समय मैथ्स का मिनिमम 4 कॉपी ऐसे खत्म होते हैं. मतलब कि बड़े बड़े का 4 खत्म हो जाता है. लास्ट ईयर हुआ था और 5th भी खत्म होने वाला था, लेकिन खत्म नहीं हुआ क्योंकि लास्ट कुछ चैप्टर था. स्कूल होता तो खत्म हो गया होता क्योंकि स्कूल में उतना क्वेश्चन नहीं होते प्रैक्टिस के लिए. तो इसमें घर में क्या हुआ, कम क्वेश्चन है, तो उसके लिए खत्म नहीं हुआ. सो मैं अभी बैठ के स्टार्ट करता हूँ. अभी 12:20 हो गया, अभी मैं अभी बैठ के स्टार्ट करूंगा, समथिंग अराउंड 2 आवर्स करूंगा अभी के लिए. फिर जाके देखूंगा, पहला चैप्टर थोड़ा छोटा है, कितने टाइम में खत्म होता है. मैं ट्रिग्नोमेट्री का देखा, बड़ा चैप्टर है, उसमें ज्यादा याद रखना पड़ेगा. फर्स्ट याद रखने के पहले था मगअप करना पड़ेगा, जैसे कि बार बार मगअप के याद रखा जाए, टेबल से हम लोग याद रखे जब छोटे थे वैसे ही करना पड़ेगा. सो मतलब उसमें थोड़ा रेडियंस बोल के एक नया है, जैसे कि मैं जस्ट सुबह देख रहा था 30° इक्वल्स टू पाई बाई 6, फिर 45 पाई बाई 64, फिर पाई बाई 3 था 30, मुझे ठीक से याद नहीं है 30 ऐसे कुछ था, मुझे एंगल से याद नहीं, लेकिन मुझे याद था पाई बाई 6, पाई बाई 4, पाई बाई 3, पाई बाई 2, पाई 3, पाई 2 बाई 2, वैसे मुझे याद हो गया था. तो ऊपर का से भी याद नहीं है, उसका कुछ ना कुछ टेक्निक होगा, जैसे क्लास 10th पे भी ट्रिग्नोमेट्री का टेक्निक था, पता नहीं देखते. सो अभी तो मैं पहले स्टार्ट करता हूँ. मैं अभी 6 o'clock हो चुका है, 6:15 एक्चुअली. अभी स्कूल का एक मीटिंग है, मीटिंग बोर्ड आया है, वो मीटिंग अभी मैं जाके अटेंड करूंगा. क्यों है मीटिंग आई डोंट नो, नो आइडिया, किसको भी आइडिया नहीं है, मेरे फ्रेंड्स को भी आइडिया नहीं है. तो मैं वो मीटिंग मतलब मामा में मतलब पेरेंट्स अटेंड करेंगे विद स्टूडेंट एंड विद स्टूडेंट्स नेम. सो वी अटेंड करेंगे, फिर जाके मैं कल ब्लॉगिंग कर पाऊंगा कि नहीं आई डोंट नो, आई रियली डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट. तो सॉरी अगर कल मेरा ब्लॉग नहीं आ पाता है, मुझे पता है मैं ब्लॉग को देखता नहीं, लेकिन भी बोल देगा. सो एक्चुअली मैं कल एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया था, वो एडिटिंग में कर नहीं पाया. आज मैं 11th का स्टार्ट कर लिया, फर्स्ट एक्सरसाइज कर पाया, सेकेंड एक्सरसाइज नहीं कर पाया, एक रीजन है, मैं वो ब्लॉग में नहीं बताऊंगा. सो इसलिए मतलब कि वो चैप्टर में अब तक खत्म, मतलब आज अभी खत्म कर दूंगा अभी शाम को बैठ के. सो अच्छा है, फिर मम्मा आएंगे, अभी टाइम हो चुका है 6:15 बाय दस, तो मैं रेडी हो जाता हूँ अटेंड करने के. तो गाइस मैं अपना डिनर भी कर चुका हूँ, अभी मैं जाके सो जाऊंगा. आज का ब्लॉग बता नहीं, मैं आज कुछ ब्लॉगिंग ही नहीं किया हूँ, डायरेक्टली बोल रहा हूँ, पूरा छोटा होगा. और मुझे एक आइडिया है भाई, दबे वो आइडिया ये है कि मैं एक चैलेंज टाइप का करूंगा कुछ. ब्लॉगिंग में बोला था चैलेंज टाइप का करूंगा, एक अच्छा चैलेंज है, मतलब ये कैसा चैलेंज है जिसको हम लोग ब्लॉगिंग में कर पाए, जल्दी से माइंड अप कर पाए. सो वैसे एक आइडिया है मुझे, तो वो चैलेंज आफ्शा के चैलेंज में हुआ नहीं अब तक. आफ्शा को मैं बोला था, वो ट्राई किए थे लेकिन वो नहीं पाया था. हम लोग जब बहरमपुर जाएंगे वो चैलेंज करेंगे आफ्शा के चैनल के लिए. सो एक चैलेंज का मुझे आइडिया, मैं अपने ब्लॉगिंग चैनल में वो करूंगा. सो आफिया में अभी के लिए कर सकते हैं, फिर जाके मेरा कजिन ब्रदर शुभम वो आएगा, जब हम तीनों भी तभी कर सकते. वो अभी आए तो पाएगा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि वो बोल रहा था आएगा, लेकिन अभी कोविड चल रहा है जिसकी वजह से आ रहा नहीं है अभी. सो 10th का रिजल्ट आएगा 20 जून में. एक्चुअली स्कूल में आज जो मीटिंग हुआ था उसमें बोला गया कि मतलब कि फिर जाके फोटो आएगी 20 जून में आएगा रिजल्ट, फिर कैसे आएगा बोला भी गया. वो 5 जून को स्कूल से जाएगा सीबीएसई को, सीबीएसई सबका सीबीएसई डिक्लेयर करेगा 20 जून को.
कैसे ठीक लगेगा पता नहीं, रोल नंबर वगैरह कुछ भी तो नहीं, तो क्या होगा देखा जाएगा, स्कूल को जाएगा सेंसर, फिर स्कूल हम लोग को देगा। तो बाय द वे जैसे कि प्री बोर्ड से 40 मार्क्स जाएगा, फिर जाके प्री बोर्ड से 45 मार्क्स, मतलब कि जैसे कि 80 मार्क्स से 80 मार्क्स से जिसका अगर वैसे मतलब कि हाफ डिवाइड हो जाएगा, फिर जाके पीरियोडिक टेस्ट से 10 मार्क्स, इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स, फिर जाके और 10 मार्क्स का क्या किया था मुझे पता नहीं। एक्चुअली मैं उधर खड़ के वीडियो किया था, फिर आप बोली कि वो वीडियो मत रखो क्योंकि अच्छा नहीं था, इसलिए तो वो वाला वीडियो अभी मैं वापस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो ये जो है, यहाँ पे पहले डोर था, यहाँ पे कांच था, वो कांच टूट गया, वो कैसे टूटा हुआ एक सीक्रेट है, वो सीक्रेट मैं बताऊंगा अगर ये वीडियो में 6 लाइक्स मिल गया तो, क्योंकि मेरे कौन से वीडियो में 6 लाइक्स नहीं है। हाँ मेरे जितने भी गूगल अकाउंट है, मम्मा का, आफिया का, फिर मेरा, फिर चैनल्स का, सबका मिला दो 6 लाइक्स हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं अपने इससे ना करके और कोई करे 6 लाइक्स, मतलब कि ऑडियंस देखे, तो उसके लिए मैं वो चाहता हूँ। और वीडियो आज का भी बड़ा हो गया।